नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इस इंस्ट्रक्शन के बारे में। ये बहुत खास वीडियो है। खास वीडियो इसलिए है क्योंकि अब GST ऑफिसर 16 मई से एक स्पेशल ड्राइव चलाने जा रही है, जहाँ पे GST ऑफिसर सभी दुकानें, ऑफिस, फैक्ट्री, इस तरह की तमाम एंटिटी जो GST में रजिस्टर्ड है, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करने जा रही है। और उसके लिए यहाँ पे CBIC ने गाइडलाइंस इशू किया है कि कैसे ये GST ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये CBIC ने इशू किया है गाइडलाइंस, जहां पे GST ऑफिसर को बताया है कि भाई दोस्तों, जो मीटिंग हुई थी 24 अप्रैल 2023 को, जहां सेंट्रल टैक्स के GST ऑफिसर और स्टेट टैक्स के GST ऑफिसर ने बैठ के मीटिंग करी थी, तो वहां पे बहुत सारी डिस्कशन हुई थी, जहां पे बोगस और फेक जो रजिस्ट्रेशन लिया गया है GST के अंदर, उसके ऊपर भी डिस्कस हुआ था कि कैसे बोगस और फेक रजिस्ट्रेशन लेके लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट को पास कर रहे हैं बिना गुड्स के सप्लाई के या बिना सर्विस के सप्लाई के। तो उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल प्रोसीजर बताया है CBIC ने कि कैसे यहाँ पे ऑफिसर जो है वो एक्शन लेगा। एक्शन लेने के लिए देखो बताता हूँ, ये जो स्पेशल ड्राइव चलाएंगे वो चलाने वाले हैं ये 16 मई 2023 से, जो कि 15 जुलाई 2023 तक चलेगा। इस बीच में सभी दुकानें, ऑफिस, फैक्ट्री, वेयर हाउसेस पे GST ऑफिसर छापामारी करेंगे और जो बोगस फर्में होंगी, फेक फर्में होंगी, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और इनको आगे रिपोर्टिंग भी करनी होगी। देख सकते हैं, वीकली रिपोर्ट करेंगे ये। एनेक्सर ए में इनके रिपोर्टिंग की डिटेल है कि कौन कौन सी ऐसी बोगस फर्में हैं जिसकी डिटेल ये रिपोर्ट करेंगे आगे। तो 16 मई से 15 जुलाई तक एक सावधानी वाला टाइम है, क्योंकि ऐसे में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, देखो सबसे पहले आपके पास आपकी फैक्ट्री या दुकान के बाहर बोर्ड लगा होना चाहिए, जिस पे GST नंबर लिखा हो, एड्रेस हो, फॉर्म का नाम लिखा हो। आपके पास एक वैलिड GST सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस जगह पर आपका काम चल रहा है वो एड्रेस GST सर्टिफिकेट में हो और अपडेटेड होना चाहिए, नहीं तो इसमें 50,000 की पेनल्टी लगा सकते हैं। सेल और परचेज के सारे आपके पास बिल होने चाहिए, उसकी फाइलिंग होनी चाहिए। अगर आपकी फैक्ट्री रेंट पे है तो वैलिड एक रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आपका काम कहीं और चल रहा था, बाद में उसके बाद आपने कहीं और शिफ्ट कर लिया, तो उस केस में GST सर्टिफिकेट पे दूसरा वाला एड्रेस अपडेट होना चाहिए। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। GST ऑफिसर ने सर्च के दौरान उनको ये पता चला कि बोगस फर्म है, फेक फर्म है, तो उसके ऊपर तुरंत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की फर्मों को बोगस या फेक फर्म घोषित कर दिया जाएगा। तो बहुत ही आपको एक सावधानी से स्टेप्स उठाने हैं और इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाली 16 मई से 15 जुलाई तक का टाइम बहुत ही अहम है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे बाकायदा इंस्ट्रक्शन इशू किया है कि कैसे GST ऑफिसर ये स्पेशल ड्राइव चलाएंगे, और ये स्पेशल ड्राइव ऑल इंडिया बेसिस पे, सभी स्टेट, सभी एरिया में ये ड्राइव चलने वाला है। तो आपको बहुत खास ध्यान रखना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।